हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का लर्निंगो यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा कंप्लीट जरूर देखना, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं ओवरऑल एग्जाम का एनालिसिस एक क्विक गो थ्रू करूं तो यहां पर ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना तो पेपर इजी था और ना ही पेपर बहुत हार्ड था, तो हम इसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर है। और अब जब मॉडरेट लेवल का पेपर है तो आप ये मान के चलते हैं कि लगभग 50% से कम कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा मॉडरेट लेवल के पेपर के अंदर। तो जितने मार्क्स हैं, जितने मार्क्स का पेपर है उसका 50% आप देख लीजिए, 50% से कम कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाता है अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है। तो टफ है तो फिर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, बाकी इजी है तो 50+ जाएगा ही जाएगा। अब ये डिपेंड करते हैं, हम इसको मॉडरेट भी नहीं मानते, इजी भी नहीं मानते या फिर टफ भी नहीं मानते, तो हम यहाँ पर 60+ यहाँ पर आप मान सकते हैं 60% अबव। तो गाइज और चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अटेम्प्ट रेट क्या जा रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेसिस पर 100+ अटेम्प्ट रेट जा रहा है, यानी कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए कुछ एनालिसिस इसका और यहाँ पर अटेम्प्ट रेट वगैरह की बात। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पेपर का लेवल था उसके। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी से यहाँ पर 30 क्वेश्चन, यहाँ पर 30 मार्क्स थे ना, और गुड अटेम्प्ट यहाँ पर 20+ गुड अटेम्प्ट जा रहे हैं। ठीक है, आपने कितने किए कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बता देना। ओवरऑल लेवल बहुत ईजी था। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती। देखो इंग्लिश का पेपर मैंने खुद पर्सनली देखा है और अच्छा पेपर था इंग्लिश का, एकदम मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 22 से 25 तक आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हैं हिंदी, सिंधी, उर्दू, उर्दू। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 18 से 20-21 अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से, और जिनकी हिंदी अच्छी है वो पूरे के पूरे 30 भी कर सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स, साइंस और इनके अंदर आप देख सकते हैं 42 से 45 गुड अटेम्प्ट रेट जा रहा है 60 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको वास्तव में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बट ओवरऑल पेपर का लेवल कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। और यहाँ पर 150 में से यहाँ पर लगभग 102 से 114 अटेम्प्ट रेट जा रहा है। मैं इसको 120 मान के चलूंगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स टैलेंटेड भी है, वो 120+ भी करके आए हैं, तो उनका उनकी तो खैर अलग ही बात है, बट 120 तक आप मैक्सिमम अटेम्प्ट रेट मान सकते हैं, गुड अटेम्प्ट रेट मान सकते हैं। हालांकि किसी ने ज्यादा भी किए हैं, किसी ने हो सकता है कम भी किए हों, तो सारी चीजों को हम मिलाकर 120 मानते हैं कि अटेम्प्ट रेट 120 आ रहा है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताना गाइज। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, जो जानना बहुत जरूरी है। तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो नॉन TSP एरिया है उसको 60% जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 60% मार्क्स उसको मिनिमम लाने ही लाने पड़ेंगे नॉन TSP से, और TSP से है वो भी 60% है। ठीक है, इसके अलावा ST कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके नॉन TSP से 55% और TSP से 36% आपको लाने जरूरी है। इसके अलावा SC OBC MBC और EWS इन सभी के लिए है 55%, ये इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने मार्क्स तो इनको लाने ही लाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 55%, एक्स सर्विसमैन 50%, PWD यहाँ पर 40% और शहरी या जनजाति जो है उसको 36%। तो ये एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा और इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इतने तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, प्लस 10% और आएंगे। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइज, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल अटेम्प्ट रेट की। देखो अटेम्प्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अटेम्प्ट रेट कितना जा रहा है इसी से पता चलता है कि पेपर का लेवल वास्तव में क्या था, क्वेश्चन कितने थे। तो अटेम्प्ट रेट यहाँ पर 90 से 120 यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रेट माने जा रहे हैं। आपने 90 से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल अच्छे यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर अच्छे एक्यूरेसी बढ़िया होगी आपकी तो। बाकी आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 से 120 यहाँ पर आपकी कट ऑफ घूमेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और फाइन यहाँ पर कट ऑफ की। देखो हमने ओवरऑल सारी चीजें एनालाइजेस करने के बाद में हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर आपकी जो रीट 2021 की एक एक्सपेक्टेड, देखो सभी तरह की मिलाकर के यहाँ पर जो पेपर था उसके हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर UR की 110 से 120
ओबीसी कैटेगरी की 105 से 115 के बीच में, एससी कैटेगरी की 95 to 105 95 से 105 के बीच में, एसटी कैटेगरी की बात करो तो यहाँ पर 85 से लगभग 95। एससी और एसटी के आपको लगभग थोड़ी सी समान ही देखने को मिलेगी, तो इनका यहाँ पर बहुत ज्यादा वो नहीं है, 2-5 नंबर का फर्क पड़ेगा आपको यहाँ पर एससी और एसटी के अंदर, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप मान सकते हैं 85 to 95 एसटी कैटेगरी की, एससी की 95 to 105, ओबीसी की 105 to 115 और यूआर की 110 से 120 कटो। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस था, मैंने यहाँ पर क्विक गो थ्रू आपको बताया है, पूरी एनालिसिस यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आई एम साइनिंग ऑफ।